हे गाइस, वेलकम टू आपकी किचन विद नीरू वालिया। तो आज हम बनाएंगे आपकी किचन में 10 मिनट में खीर, वो भी चावल वाली खीर। 10 मिनट में तैयार करेंगे और साथ में 10 मिनट में करेंगे हम इंस्टेंट पूड़ा, वो भी शक्कर वाला और गेहूं के आटे के बनाएंगे। बहुत ही शक्कर वाले, गुड़ की जो शक्कर जैगरी होती है उससे पूड़े बनाएंगे, मलाई वाले। तो देखिए कैसे खाएंगे खिलाएंगे। तो चलिए आपकी किचन में देखिए पूरा कितना सॉफ्ट कितना क्रिस्पी है गाइस। तो चलिए आपकी किचन में विद नीरू वालिया। हे गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इंस्टेंट खीर। तो मैंने जहाँ पे लिया है 1/2 लीटर दूध और थोड़ा सा मैं इसमें पैकेट धो के डाल दूँगी। फुल फैट दूध है, फुल क्रीम दूध है गाइस, ये फुल फैट फुल क्रीम। तो मैंने थोड़ा पानी भी डाल दिया धो करके पैकेट को। तो जहाँ पे मैंने लूँगी अपने बॉयल्ड राइस 1 कप है, 1 कटोरी 1/2 किलो के लिए बॉयल्ड हैं जी। आप स्पेशल भी कर सकते हैं और आपके घर में बॉयल्ड पड़े हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस मैं बॉयल्ड राइस को डालूँगी इसके अंदर, कटिंग बोर्ड चॉपर जो होता है उसमें। तो गाइस मैंने सारे राइस डाल दिए हैं, तो इसको मैं करूँगी बंद और अच्छी तरह से इसको चॉप कर दूँगी राइस को। तो गाइस मैंने दूध को अब ऑलमोस्ट मेरा पकने लग पड़ा है, ठीक है। जैसे ही पकेगा मैंने चावल भी अपने देखे बहुत अच्छे हो गए हैं। और ये इंस्टेंट खीर बहुत ही टेस्टी बहुत ही यम्मी बनेगी गाइस। तो गाइस आप देख सकते हैं दूध तो दूध को उबाल आ गया है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी राइस। ये बहुत ही यम्मी, आपको पता भी नहीं चलेगा हमने बॉयल्ड राइस से खीर बनाई है, इतना अच्छा टेस्ट देगी ये खीर हमें। साथ में मैं ऐड करूँगी इसके अंदर इलायची अपनी कुटी हुई। आप चाहें इसके अंदर केसर भी डाल सकते हैं, 4 से 5 दाने। मेरा अभी ख़त्म हो गया केसर, तो मैं अभी केसर नहीं ऐड करूँगी, मार्केट जाना नहीं हुआ तो मैं बस लेकर आऊँगी। तो देखिए गाइस अभी मैं इसको मस्त 10 मिनट पकाऊँगी और हमारी खीर तैयार हो जाएगी। फुल फैट दूध लेना जब भी लेना गाइस। आप इसको ज़्यादा ही अच्छी और क्रीमी बनाना चाहते हो तो इसके अंदर मिल्क पाउडर ऐड कर दीजिए। मिल्क पाउडर नहीं है तो आप 1 कटोरी मलाई ऐड कर दीजिए फ्रेश ताजी वाली, तो और ज़्यादा क्रीमी बन जाएगी। तो गाइस अभी हम इसको पकना छोड़ देते हैं। देखिए मैश करने से चावल हमारे कितने अच्छे हो जाते हैं। जब तक हमारी खीर पकती है 10 मिनट लेगी, 10 मिनट में हम अपना पूड़े का मटेरियल तैयार कर लेते हैं। खीर पूड़े गाइस लगातार खीर को हिलाते रहें, छोड़ मत देना प्लीज़, नहीं तो फिर नीचे लग जाएगी। जैसे उबाली आए 2 मिनट को हिलाइए, फिर अपना कोई और काम कर लीजिए, लेकिन भूल मत जाना रख के बजे है कि आप 2-4 मिनट के बाद इसको हिलाते रहें। तो गाइस इसको मेरे को 5 मिनट हो गए हैं पकाते हुए। अब मैं ऐड करूँगी इसके अंदर शुगर, आप देसी खांड डालिए शुगर डालिए। 1 कटोरी मैं इसमें डाल दूँगी, 1 कटोरी चावल है तो 1 कटोरी मैं शुगर डाल दूँगी। बाकी आप 2 टेस्ट भी डाल सकते हैं। अगर आपने इसको शुगर फ्री बनाना चाहते हैं तो इसको आप एज इट इज़ पका लीजिए, बाद में शुगर फ्री ऐड कर लीजिए जितनी खानी आपने। जैसे आधी को आप शुगर फ्री बनाइए, आधी को फुल शुगर वाली बना लीजिए, जैसे आपका दिल करते हैं। तो मैं इसको अभी 5 मिनट मेरे को हो गए पकाते हुए, 5 मिनट मैं और पकाऊंगी। तो गाइस देखिए मेरे को 5 मिनट और हो गए हैं। 5 मिनट पहले मैंने चीनी डाली थी, 5 मिनट चीनी डालने के बाद देखिए हमारी खीर ऑलमोस्ट तैयार है। मैं 2 से चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं अपने पूड़े। हमारी खीर पकी रही है, तो मैंने जहाँ पे लिया 1 कटोरी आटा, इसको मैं एक बार छान लूँगी। तो गाइस इसके साथ ही मैं लूँगी 2 चम्मच सूजी, 1 कटोरी आटा है गेहूँ का और 2 चम्मच सूजी है, इसको मैं छान लूँगी। तो गाइस जहाँ मैं ऐड करूँगी अपनी सौंफ, मीठी सौंफ पूड़े में बहुत ही अच्छी लगती है, और साथ में मैं क्या ऐड करूँगी इलायची कुटी हुई, ये बहुत अच्छा फ्लेवर देंगी हमारे पूड़े में। और साथ में मैं ऐड करूँगी
एक कटोरी शक्कर, गुड़ जो होती है ना जैगरीज, वो आप गुड़ को भी मेल्ट कर सकते हैं गाइस। इसको मैं हल्का पैन में डालूंगी। आप गुड़ के चीनी के भी बना सकते हैं गाइस, लेकिन शुगर फ्री वाले जो पेशेंट्स होते हैं ना वो भी ये वाले पूड़े खा सकते हैं, क्योंकि जैगरी को कहते हैं डॉक्टर्स भी कि जैगरी आराम से इजली खा सकते हैं, एक दो तो खा ही सकते हैं, भले कि शुगर के चाहे ना भी खाएं। तो मैंने इनको अच्छी तरह से मिला लिया है। अब मैं ऐड करूँगी इसके अंदर धीरे धीरे करके दूध, तो क्योंकि गाइस जो शक्कर है वो भी पानी छोड़ेगी, तो इसलिए धीरे धीरे ही डालिए। और 10 मिनट के बाद जब शक्कर घुल जाएगी ना, उसके बाद देखिए पेस्ट आपको कितनी करनी है हमने। तो गाइस देखिए, ये जैगरी भी मेरी प्योर वाली थी, जो हम गन्ने जूस वाले गुड़ जहाँ बनता है ना, वहीं से मैं ये जैगरी जलंधर के पास से ही लेकर आई थी हम पंजाब से। तो देखिए गाइस, अब मैं अभी इसको और पानी छोड़ेगा जी, दूध अभी ऐड नहीं करूँगी, दूध की जगह मैं तो मैं ऐड करूँगी गाइस 2 चम्मच मलाई ताजी वाली। अगर आपके पास मिल्क पाउडर है तो 1 चम्मच मिल्क पाउडर अभी डाल दिए, छोटे वाले 2 चम्मच और बड़े वाला 1 चम्मच। तो गाइस मैं मलाई डालकर इसको दोबारा से मिला लेंगे 5 से 10 मिनट के लिए। ये बहुत ही क्रीमी सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी पूड़े बनेंगे, और वो भी बिना चाशनी के, जैसे बनेंगे खीर के साथ। खाइए, सावन मनाइए, सावन का पहला पहला सोमवार है, व्रत रखा है तो बनाइए, नहीं व्रत रखा तो भी बनाइए। ये देखिए गाइस गिरने लग पड़ा ना, अभी हमारा पड़ा पड़ा और पेस्ट होएगा, क्योंकि मैंने जैगरी डाली। अगर मैंने शुगर पाउडर डाला होता तो इंस्टेंट रिजल्ट दे देता। अभी जैगरी के छोटे छोटे कण हैं ना, वो मेल्ट हो रहे हैं। तो गाइस इसको मैं अभी 5 से 10 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ दूंगी। जितना मेरा आटा फूलना होगा या सूजी ने फूलना होगा, उतना मटेरियल तैयार हो जाएगा। तो गाइस मैंने पूड़े के लिए एक पैन ले लिया, उसमें मैं डालूंगी मैं रिफाइंड, या जो भी आपके घर में देसी घी यूज़ करना चाहते हो तो देसी घी, आप रिफाइंड डालिए, देसी घी डालिए, जैसी भी है। तो मैं इसको गर्म कर लूँगी। और गाइस देखिए, मैंने पेस्ट काफ़ी अच्छी मेरी तैयार हो गई है। गाइस तेल हमारा गर्म हो गया, अब हम डालेंगे पूड़े का मटेरियल, गैस को कर देंगे मध्यम, मतलब बिल्कुल सिम। कंसिस्टेंसी देखिए गाइस, जैसे मैं ऊपर से ऐसे गेरूंगी, और ये देखिए, ये अपने आप पूरा गोल गोल बनता जाएगा। तो आप भी वैसे ही मटेरियल मेन इतना ही रखिए, जिससे आराम से आपका पूड़ा बन जाए। तो गाइस देखिए कितने अच्छे राउंड राउंड पूड़े हमारे तैयार हो रहे हैं। मैं धीरे धीरे अब एक ही साथ सारे बना लूँगी। तो गाइस जब तक, जैसे कि अजय देखिए हल्के जे रोस्ट होने लगे, कलर भी चेंज कर दिया और जगह भी छोड़ दी, तो मैं इसको हल्का, देखिए गाइस बन रहे हैं ना मार्केट जैसे पूड़े, कितने अच्छे गुड़ के, शक्कर के, जैगरी के हैं। तो देखिए बनाइए, सावन एंजॉय कीजिए, और नीरू वालिया के किचन को लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर। अगर जौन सी वीडियो आपको ज़्यादा अच्छी लगती है तो आप फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं इन वीडियोस को। जौन सी आपको ज़्यादा लगता है कि उनको भी शेयर कर दूँ तो वो बना लेंगे, तो प्लीज़ शेयर माई वीडियोज़ एंड लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट कि कैसे लग रहे हैं, मैं ठीक बता रही हूँ आपको। प्लीज़ देखिए कितने अच्छे हमारे गुड़ के, शक्कर के मालपूड़े तैयार हैं। मलाई डाली है तो मलाई डालने से ये बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही क्रिस्पी तैयार होंगे गाइस। लीजिए कितने अच्छे पूड़े हमारे तैयार हैं। मैं इसको ज़्यादा लाल ना करते हुए अब हम निकाल लेंगे। मैं एक के ऊपर एक रखूंगी और इसको रिफाइन सारा निकाल देंगे, घी जितना ऑयल एक्स्ट्रा है वो निकाल देंगे। तो गाइस देखिए मैंने सारे पूरे धीरे धीरे करके बना लिए हैं। तो ये देखिए, ये नहीं मेरा एक अच्छा बना या दो अच्छे बने, तीन अच्छे बने, तीन नहीं अच्छे बने, तो आपके भी ऐसे ही सेम रेसिपी फॉलो करोगे तो आपके पूरे बहुत ही अच्छे बनेंगे।
तो गाइज मेरे पूड़े तैयार हैं, मैं इनको भी आपस में से एक साथ करके जिससे घी भी निकल जाएगा निकाल लूँगी। तो गाइज हमारी खीर तैयार है अब परोसने के लिए। मैं ऊपर से डालूँगी बादाम कतली और साथ में थोड़ा सा पिस्ता और नारियल बड़ा। ऐसे हम अपने पूड़े पे भी डालेंगे कतली और साथ में डालेंगे पिस्ता बादाम। तो गाइज तैयार है हमारी सावन की खीर, वो भी 10 मिनट में। देखिए कितनी अच्छी खीर, कोई भी कहेगा आपने जी 10 मिनट में बनाई है, ऐसे लगे पता नहीं कितनी काढ़ काढ़ के पकाई है। और साथ में मैंने बनाए हैं पूड़े, ये भी शक्कर के, वो भी गुड़ की शक्कर के, जैगरी के। तो लीजिए, सर्व कीजिए, खाइए। आपकी किचन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लीजिए सावन के खीर, शिव जी का भोग, राखी पे बनाइए, जैसे आपको पसंद है। वैसे आगे त्यौहार ही त्यौहार आए हैं, जन्माष्टमी आई है गाइस, तो भगवान जी ठाकुर जी को भोग लगाइए खीर पूड़े का। तो खाइए, खिलाइए आपकी किचन निरुवालिया को। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।